है व्हाट्सएप गाइस। अगर आप गूगल फोटो यूज़ कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है वीडियो, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा गूगल फोटो कुछ ऐसा टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। सो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहे, मैं प्रमोद रेड्डी आपको इस वीडियो में वेलकम करता हूँ। नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसा वीडियो कंटिन्यू आपको मिलता रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या ऐसा टिप्स एंड ट्रिक्स है गूगल फोटो का। अमेजिंग टिप्स जानने के लिए गूगल फोटो पे सबसे पहले हमें जाना होगा, तो वहाँ पे हम चले जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं इस पे मैं चले आया, और इस पे आने के बाद जितने भी आपके फोन में फोटो होगा सारा सारा फोटो यहाँ पे मिल जाता है। फोटो ही नहीं, वीडियो, डॉक्यूमेंट, जितने भी आपके मीडिया फाइल में सारा कुछ यहाँ पे मिल ही जाएगा। तो कई सारे लोग क्या करता है यहीं पे डायरेक्टली अटैक करता है, तो मैं आपको बता दूँ क्या कर सकते हैं। अगर आप जो भी आपके पर्सनल फोटो एंड वीडियो डॉक्यूमेंट कुछ भी है उसे आप आसानी से हाइड कर सकते हैं, अदर पर्सन नहीं देख सकता है, आप ही देख सकते हैं। तो अगर आप हाइड करना चाहते हैं सिंपली आपको क्या करना है, फोटो पर टाइप करना है। मैं फोटो पर टाइप कर दिया एंड उसको क्या करना है, फोटो के ऊपर स्वाइप करना है। स्वाइप करेंगे तो यहाँ से आपको एक फोल्डर मिल जाएगा, मूव टू लॉक फोल्डर, इस पर आपको टाइप करना है। टाइप करेंगे ऐसे मूव करना है, मूव करेंगे तो ये कुछ टाइम लेगा और वहाँ पे मूव हो जाएगा, ठीक है। मूव होने के बाद फिर से अगर आप देखना चाहते हैं फिर से आपको बैक आना है, और बैक आने के बाद यहाँ सर्च वाले टाइप करना है और यहाँ पे लिखना है लॉक फोल्डर। लॉक फोल्डर यहाँ पे जब आप लिखते हैं LOC के लॉक फोटो लिखते हैं तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा जितने भी आप फोटो, और यहाँ से पैटर्न मांगेगा, आपके फ़ोन में पैटर्न होगा पैटर्न दे दीजिए, या पिन होगा पिन दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको क्या करना है, लॉक खोल देना है। लॉक खोलते हैं जितने भी आप मूव किए रहेंगे सारा सारा फोटो यहाँ पे दिख जाएगा, जो भी वीडियो या डॉक्यूमेंट सब कुछ यहाँ पे दिख जाएगा, आप आसानी से हाइड कर सकते हैं। एंड जो सेकेंड नंबर का जो ट्रिक्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहे। जैसे आपको बैक आना है, बैक आने के बाद अब मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप कहीं जाते हैं घूमने के लिए तो कई सारा फोटो क्लिक होता है, तो आपके दोस्त क्या बोलता है कि फोटो भेजे मेरे पास में एंड क्वालिटी के साथ डॉक्यूमेंट में, तो आपको डॉक्यूमेंट में फोटो नहीं भेजना पड़ेगा। आप जितने भी फोटो खींचे होंगे तो आपको क्या करना है, वो सारे फोटो पे क्या करना है, आपको टिक करना है, एक जगह क्या करना है, आप ऐड करना है। ऐड करने के बाद आप यहाँ से प्लस वाले आइकन टाइप करेंगे, टाइप करने के बाद यहाँ से एल्बम में ले जाएंगे। एल्बम ले जाने के बाद यहाँ से आप कर सकते हैं एंड यहाँ से टाइटल दे सकते हैं, कुछ भी जो भी आपके मन में आएगा दे सकते हैं। मैं टाइटल दे दिया, यहाँ से आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद यहाँ से फिर पीछे जाना है, पीछे सर्च वाले लिखना है और यहाँ से आप सर्च करना है फ्रेंड, ठीक है, जो आप फोल्डर में नाम दिए होंगे सब के सब। और यहाँ से आप शेयर भी कर सकते हैं लिंक के माध्यम, शेयर पे टाइप किया, यहाँ से ओके कर दिया। ओके करने के बाद यहाँ से आप सारा सारा फोटो भेज सकते हैं एंड वो भी आप डॉक्यूमेंट में लिंक के साथ। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।